नमस्ते, थैंक यू सो मच हमें आज रागगिरी के इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म में शामिल करने के लिए। हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। जी नहीं, ये ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स तो हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैसे हम बचपन से साथ में गाते आए हैं और ये साथ में हम बड़े ही हुए हैं एक दूसरे के साथ गाते गाते। पर ये वीडियो डालना सोशल मीडिया पे, ये बहुत पुरानी बात नहीं है हमारे लिए। ये बहुत रिसेंटली ही शुरू हुआ है और जो हमें इतना सारा प्यार मिल रहा है, इतने लोग हमें सराह रहे हैं, ये देखते हुए बहुत खुशी होती है, एनकरेजमेंट मिलता है हमें। इसलिए हमने बैलकनी कॉन्सर्ट वाला ये सीरीज शुरू तो किया इस लॉकडाउन में, पर अभी हम इसे आगे बढ़ाते जा रहे हैं और आगे बढ़ाते जाएंगे, जस्ट बिकॉज हमें इतना सारा प्यार मिल रहा है। जी, हम एक्चुअली बहनें हैं ना और साथ में बड़े हुए हैं, तो हमारा वे ऑफ थिंकिंग, हमारा हाव भाव, हमारा सब कुछ, मतलब टेम्परमेंट बहुत सिमिलर है, तो काफी चीजें ना चाहते हुए भी बिल्कुल एक जैसी हैं। तो जहां तक बात रही एक साथ कोऑर्डिनेटेडली गाने की, तो उसमें हमें ज्यादा एफर्ट डालना नहीं पड़ता है, वो नेचुरली आ जाता है। और जब, जैसे कि आपने कहा, हमारे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हमारे म्यूजिक करियर में एज अ होल बहुत ज्यादा रहा है। मम्मी पापा के बिना हम सोच भी नहीं सकते हम क्या करते अभी भी। जैसे सिर्फ अगर बैल्कनी कॉन्सर्ट की भी बात की जाए, हम तो सिर्फ खड़े होकर गाते ही हैं, बस वही हमारा काम है। बाकी जो भी देखते हैं ना, आप देखेंगे हर वीडियो के पीछे हमारा बैकग्राउंड डेकोरेशन अलग लगता है, अलग होता है, वो मम्मी पापा मिलके करते हैं। हमारे कॉस्ट्यूम्स मम्मी डिसाइड करती हैं, पापा जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं वो सब पापा देखते हैं। तो हम ना एक नंदीज एज अ फैमिली, वी आर लाइक अ वैन जिसके चार पहिए हैं। हम दो पहिए खुल के कहीं गिर जाएंगे तो ये गाड़ी चले कहीं नहीं। तो हम सब, वी आर अ टीम दैट वी वर्क टुगेदर एंड थैंकफुली आर पेरेंट्स आर वेरी वेरी सपोर्टिव और उनका इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है तभी हम कुछ कर पा रहे हैं, तभी हमारे जो इतने सारे सपने हैं जो हम देखते आए हैं बचपन से, उन्हें हम साकार कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज आर पेरेंट्स आर सो सो सपोर्टिव एंड सो इन्वॉल्व इन आर लाइव्स। हम दोनों ने अभी शुरुआत ही की है, बहुत कुछ है सीखने को, कुछ भी नहीं सीख पाए हैं अभी तक। तो वैसे देखा जाए तो हम सबसे सीखने की कोशिश करते हैं, सबसे कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। शास्त्रीय संगीत की बात की जाए तो मैं अपने गुरुजी उस्ताद राशिद खान जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, बहुत फॉलो करती हूँ। अजय चक्रवर्ती जी, कौशिकी चक्रवर्ती मैम, भीमसेन जोशी जी, संजीव अभ्यंकर जी, इसके अलावा शोभा गुर्तु जी के मैं ठुमरियाँ सुनना बहुत पसंद करती हूँ, और बेगम अख्तर जी की गज़लें बहुत पसंद है, और बहुत से, मैं अभी बस टॉप ऑफ द माइंड जो जो नाम आ रहे हैं मैं फट से बोलते जा रही हूँ। इसके अलावा अगर लाइट सिंगिंग की बात की जाए, एवरीवन इज़ ब्रिलियंट, क्या ही कहा जाए। सबसे पहले लता जी, आशा ताई, दे आर द गॉडेसेस, दे आर माँ सरस्वती इन ह्यूमन फॉर्म, तो उनको तो पूछते हैं हम सब। श्रेया मैम, सुनिधि मैम, शान सर, सोनू सर, अलका मैम, अभिजीत सर, अभी एकदम रिसेंट नए न्यू एज सिंगर्स की बात की जाए तो अरिजीत सर, उनसे, उनके बारे में तो क्या ही कहा जाए। और सबसे एवरी डे देयर इज अ न्यू टैलेंट दैट्स कमिंग अप, और सबसे कितना कुछ है सीखने को, सब में एक नई पॉजिटिविटी है और हम सबसे कुछ नया सीखने की कोशिश। वो कहते हैं ना, तानसेन बनने से पहले कानसेन बनना चाहिए। तो मैं जब से पैदा हुई, जब से मैंने होश संभाला है, मैं तब से मेरी बहन को सुबह 5 बजे उठ के सा खरज लगाते हुए सुना है। तो मैं चाहूँ ना चाहूँ मेरा तो कान वैसे ही तैयार हो ही रहा था बचपन से। और मेरे पेरेंट्स हमेशा से मुझे, मेरे बहन को जहाँ जहाँ पे दिया गया था ट्रेनिंग के लिए, मुझे भी भेजा गया था। पर क्या है ना, वो हिंदुस्तानी क्लासिकल का वो एक स्ट्रिक्ट माहौल मुझे बड़ा सा अजीब लगता था, मुझसे नहीं हो पाता था, नटखट है। हाँ, मैं बहुत नटखट थी। पर चंदन राय चौधरी सर का क्लास जब दीदी ने ज्वाइन किया, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मा मुझे भी ज्वाइन करना है, और वहाँ से मेरा एक्चुअल ट्रेनिंग शुरू हुआ। आई सैंग फॉर अ फ्यू टीवी सीरियल्स बाय चंदन राय चौधरी सर,
और क्या है ना, वो वहां पे जो एफर्ट देती थी वो उसको उसका रिजल्ट दिखने लगा था। वो वहां जाके सीखती थी, टीवी सीरियल्स में गाती थी, नेक्स्ट डे आके उसको अपना वॉइस टीवी पे सुनने को मिलता था। आई थिंक इसलिए तो अच्छा लगता था। एनीवे तो उसके बाद हम गए केएम म्यूजिक कंजर्वेटरी में फॉर वेस्टर्न म्यूजिक वोकल ट्रेनिंग एंड या दैट्स इट। हमारे और गाने तो आप सबने सुने ही हैं और हमारे सारे वीडियोस को जो भी हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं उन्हें आपने बहुत सारा प्यार दिया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। पर आज हम कुछ और गा के सुनाते हैं आपको। ये हम जो गाने वाले हैं ये मेरा खुद का लिखा हुआ कंपोज किया हुआ गाना है। इसका नाम है दिल क्या समझा गया। ये शायद आप में से बहुत लोगों ने ना सुना हो पर अगर आज सुन के अच्छा लगे ये दो लाइनें, यू कैन वॉच इट ऑन माय यूट्यूब चैनल, जरूर बताइएगा कैसा लगा। सारेगामा पा का प्लेटफॉर्म मेरे जिंदगी का वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स है। मैं एक 9 साल की बच्ची थी जब मैंने पार्टिसिपेट किया था सारेगामा पा में, और उससे पहले तक मैं सिर्फ हिंदुस्तानी क्लासिकल गाती थी। वहां जाके पहली बार मैंने लाइट गाने, बॉलीवुड के गाने गाना स्टार्ट किया, और द फैक्ट कि उसमें कितने और टेक्निक्स इन्वॉल्व होते हैं उस आइडिया से मैं वाकिफ हुई सारेगामा पा में जाने के बाद ही। और वहां जाके मुझे जो प्राइसलेस गाइडेंस मिला मुकेश परमार सर और संजय विद्यार्थी जी के पास, जो ग्रूमिंग मिली मुझे, दोज आर प्राइसलेस थिंग्स दैट आई लर्नड देयर। यू नो लिटिल थिंग्स लाइक माइक को कैसे हैंडल किया जाता है, ऊपर के नोट्स गाते वक्त अगर बहुत जोर से प्रोजेक्ट कर रहे हैं वॉइस को तो माइक को अपने मुंह से दूर लेना, फिर ऑडियंस को कैसे फेस किया जाता है, स्टेज प्रेजेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं पता था उससे पहले। और मुझे कितने लेजेंड्स के सामने गाने का मौका मिला, आशा जी के सामने मुझे गाने का मौका मिला और उन्होंने मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दिया। ये मैं आज भी नहीं सोच सकती, आज भी इमेजिनेशन से बाहर है। अलका जी के सामने गाना, अब अलका जी वॉज लाइक अ स्क्रीन मदर टू मी। अभिजीत दा, शान सर, उदित नारायण जी, सुखविंदर सिंह जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, शान सर, ये सब लेजेंड्स हैं। उनके सामने गाना और उनसे छोटी छोटी चीज़ें सीख पाना, कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली जिनके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और अपार्ट फ्रॉम दिस एक पहचान बन जाती है छोटी सी, पता है, मतलब ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत बड़ा हेल्प हो जाता है बाद में, पर एक लोग कनेक्ट कर पाते हैं कि मैं बाद में अगर कहीं जाके बोलती हूँ कि हाँ मैं सारेगामा पा में थी तो लोग को ऐसे लगता है कि ओ अच्छा हाँ वही अंतरा ना जो अभिजीता की फेवरेट थी, अभिजीता उसको गोदी में उठाते थे, वही वाली अंतरा ना, तो एक कोरेलेंस मिलता है लोगों को, तो वो एक छोटी सी हेल्प हो जाती है। वैसे सच बताओ तो बैलेंसिंग म्यूजिक एंड स्टडीज इतना तो ईजी था नहीं हमारे लिए। थोड़ा सा टफ है क्योंकि देखिए पढ़ाई तो नेसेसिटी है और म्यूजिक से हमें प्यार है, और हमारा ये मानना है कि आप जिस चीज़ से प्यार करते हो ना आपको उसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता है, बस टाइम निकल जाता है। और म्यूजिक हमारे लिए एक वो चीज़ है। और एक चीज़ हम देखें तो एक इंसान 24 घंटा पढ़ाई नहीं कर सकता है, 24 घंटा गाना नहीं गा सकता है, तो दोनों चीज़ें ऐसे मैनेज हो जाती हैं। अगर एक
सही शेड्यूल बनाया हाँ, जाए तो एक सही शेड्यूल बनाया जाए तो। अब देखिए हमें स्कूल तो जाना है, तो स्कूल जाने से पहले हमें 5 बजे उठना ही है, वो 5 से 6 बजे तक का टाइम हमें रियाज करना ही पड़ेगा। फिर स्कूल जाते थे, स्कूल से वापस आके ट्यूशन करना ही है, तो बाकी का टाइम जो हमें थोड़ा बहुत मिलता था हम लोग वो बाकी चीज़ों में, मतलब टीवी देख के या फिर बाकी चीज़ों में ऐसे ज़ाया ना करके हम लोग वो म्यूजिक में डालते थे। और हमारे लिए भी, जैसे हमारे एज के और बच्चों के लिए रिलैक्सेशन क्या होता था, नीचे जाके खेलना या मूवीज देखना या ऐसे ही हैंग आउट करना, हमारे लिए खुशियां हम म्यूजिक में ढूंढते थे। हाँ। हमारे लिए हमारा प्ले टाइम यूज टू बी म्यूजिक। जी जी बिल्कुल, हमें भी ये गाना बहुत पसंद है। सो हियर्स अ फ्यू लाइंस।